हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेम शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हो, वो भी बिना टाइपिंग किए हुए लिरिकल स्टेटस। तो बहुत सारे लोग लिरिकल उसका जो टाइपिंग करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि बिना टाइपिंग किए हुए आप कैसे बना सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। बहुत ही ईजी सा स्टेप है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टेटस का प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, आप पहले प्रीव्यू देख लीजिए। तो आपने प्रीव्यू देख लिया, आपको प्रीव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेशियो चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 16:9 चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है गूगल से। आप लोग सर्च करेंगे जो भी फ़ोटो आप चाहें यहाँ पर, जो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं उसको आपको चूज़ कर लेना है। तो आपको ये ऐसी इस तरीके की बहुत सारी फ़ोटोज़ कहाँ मिलेंगी, तो मैं बता दूँ, आप गूगल पे जाओ, वहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सएप स्टेटस बैकग्राउंड इमेज HD। आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी, आपको जो इमेज पसंद आए आप उसको लगा सकते हो। तो मैंने इसको 30 सेकंड तक मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस हमारा 30 सेकंड का ही होगा। इसको करने के बाद मैं यहाँ पर लेयर में जा रहा हूँ। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है आपको, और यहाँ पर आपको एक ग्रीन स्क्रीन का लिरिकल वाला वो डाउनलोड कर लेना है। इसको कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो को, तो मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा, तो इसीलिए इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा दूँ। तो मैंने इसकी म्यूजिक को बंद किया हुआ है, क्योंकि वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसीलिए मैंने म्यूज़िक को आपको नहीं सुनाया है। तो चलिए, ये सॉन्ग है याद पिया की आने लगी, इसी सॉन्ग का ये लायरिक्स है। इसको इस वीडियो को, ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो ये मैं वीडियो के एंड में बताया हुआ हूँ, तो आप एंड में देख लीजिएगा। मैं पहले इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आपने इसका जो है देख लिया कि ये कैसे चल रहा है। तो अब आपको जो भी आप यहाँ पर एडिटिंग करना चाहते हो, जिस तरीके का बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। आपको मैंने दिखा दिया कि आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है यहाँ पर। अब मैं आपको वीडियो एक्सपोर्ट कर देता हूँ ये वाली। तो मैंने वीडियो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फिर मैं आगे का आपको बताता हूँ कि आपको ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो डाउनलोड कहाँ से करनी है। ऐसी इसी तरीके की बहुत सारी, एक ही सॉन्ग की बहुत सारी वीडियोस आपको दिखेंगी। जो भी आपको वीडियो पसंद आए आप वो डाउनलोड कर सकते हो, और ये एकदम कॉपीराइट फ्री वीडियोस रहती हैं, क्योंकि हम इसमें क्रोमा की इनेबल कर देते हैं, तो उसमें कोई भी कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाला है। तो ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो गई, अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से प्ले कर दूँ, ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से प्ले हो रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो डाउनलोड कहाँ से करना है। तो उसके लिए मैं तो इसको एक्सपोर्ट कर ही चुका हूँ। अब मैं पूरा इसको कट कर देता हूँ।
तो फ्रेंड्स, वो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो ऐड करने के लिए आपको यूट्यूब ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है जिस भी गाने का आप चाहते हो ये ग्रीन स्क्रीन वाला लायरिक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद पिया की आने लगी लायरिक्स ग्रीन स्क्रीन, आने लगी ग्रीन स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस या जो भी आप लिख देंगे ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ढेर सारे ग्रीन स्क्रीन वाला आ गया है यहाँ पर वीडियो। आपको जो भी पसंद आए आप उसको कर सकते हो। तो मैंने इसका अभी वॉल्यूम एकदम कम किया हुआ है, कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ सकता था, तो इसीलिए मैंने आपको इसका वॉल्यूम नहीं करके दिखाया है। इसके बाद आपको शेयर पर क्लिक करके इसका लिंक जो है ये कॉपी लिंक कर लेना है। अब इसका लिंक हमारे फ़ोन में कॉपी हो गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक कॉपी करने के बाद इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको बैक जाना है, आपको यहाँ पर गूगल ओपन करना है। गूगल में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है Y2Mate। आप Y2Mate सर्च करेंगे तो एक साइट ओपन होकर आ जाएगी, जो फर्स्ट वाली साइट रहेगी Y2Mate वीडियो डाउनलोडर। यहाँ पर YouTube डाउनलोडर, डाउनलोड YouTube वीडियो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन हो जाने दीजिए। फिर यहाँ पर एक आपको दिख रहा है जहाँ पर आप सर्च और पेस्ट अ लिंक, यहाँ पर आपको वही लिंक थोड़ी देर तक आप क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और वो लिंक आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर वो बहुत सारी वीडियोस उसी की जो है अलग अलग रिजोल्यूशन में आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये उसका थंबनेल है, यहाँ पर MP4 180 MP4। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, ग्रीन कलर का जो दिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से डाउनलोड MP4 पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप लोग नीचे देखोगे डाउनलोडिंग फाइल डिटेल्स, ये डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूँ, ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसको डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वीडियो चलती है। तो ये हमारा पूरा डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको वीडियो पर मैं क्लिक करूँगा। मैं वीडियो में गया, ये Y2Mate.com याद पिया की आने लगी, ये बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से चल रहा था। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।